देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप कितना जोर लगा लीजिएगा, आप संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको संविधान अगर खत्म करने की साजिश कीजिएगा तो आप देश में देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाइएगा। संविधान हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण खत्म कर दो। ये मार्च इसलिए निकला है कि सावरकर को सम्मान और अंबेडकर को अपमान और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, मेरा नाम सदन जीड़ा है, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज अंबेडकर के पुनर्निर्माण दिवस के ऊपर मार्च निकाला गया है। जदयू के तमाम जो भी कार्यकर्ता और नेता हैं और हमारे साथ, वो जदयू के कार्यालय से इनकम टैक्स होते हुए हाई कोर्ट तक निकाला गया है मार्च। हमारे साथ बात करने के लिए नाम बताइएगा। आसिफ कमाल, अध्यक्ष पटना महानगर जनता दल यू। ये मार्च इसलिए निकला है कि सावरकर को सम्मान और अंबेडकर को अपमान और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस नारे के साथ हम लोग मार्च पर निकले हैं और हम बताना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप कितना जोर लगा लीजिएगा, आप संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको संविधान अगर खत्म करने की साजिश कीजिएगा तो आप देश में देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाइएगा। देश के अंदर में जो साजिश चल रही है, संविधान हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण खत्म कर दो, ये बहुत ही साइनाइट की तरह काम कर रहा है। ये देश को खा जाएगा और खोखला कर देगा। सावरकर साहब का फोटो लगाया, अम्बेडकर साहब का फोटो नहीं लगाया नए संसद में। जो पहले चला आ रहा था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को बनाया और उनका नए संसद में उनका तस्वीर को हटा दिया गया। बाबू जगजीवन राम जी के नाम से जो छात्रवृत्ति योजना चल रही थी उसको खत्म कर दिया। आज भाजपा का क्या मुद्दा है? नाम बदलिए, नाम बदलिए। नाम बदलने से नहीं, दिल जीतने से, दलितों का, अकलेतों का, गरीबों का दिल जीतने से देश चलता है, ना कि नाम बदलने से देश चलता है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी गरीबों के मसीहा थे और उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? आप देखिए, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना क्यों बंद कर दी गई? देश में 10वीं वर्षीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है? ये विरोधाभास क्यों? आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है? आरक्षण को बंद करने की योजना क्यों बन रही है? तो आज हम लोगों ने बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के लिए ये मार्च निकाला है। ये विरोध क्यों कर रहा है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं इसके लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को रचा है, संविधान का रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर सर्व पूज्य वही है हम लोग के लिए। बाबा साहब के संविधान को ही लोग बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी खत्म करना चाह रहे हैं। हम लोग उसी का आरक्षण भी खत्म करना चाह रहे हैं, उनको संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग आज ये प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं। बाबा साहब, हम लोग जो है नीतीश कुमार के समर्थन में ये जुलूस निकाला गया है। जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम सम्मान में ये जुलूस निकाले हैं। बाबा साहब के जो है कि हम लोग सम्मान में अभी जो है कि आरक्षण जो है कि ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है कि अभी जनगणना जाती है, भी पूरे बिहार में तो हो गया है, बाहर में भी लोग रोक लगा रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने साफ तौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुण्यतिथि पर ये लोग मार्च निकाले हैं और पुनर्निर्माण दिवस बाबा साहेब अम्बेडकर के ये लोग निकाले हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि नए संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चित्र क्यों नहीं लगाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चित्र नहीं लगाया गया और सावरकर का चित्र लगाया गया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमान क्यों किया और सावरकर का चित्र क्यों लगाया? और उसी तरह बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है तो पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।